नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564503096906089745235 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2022 की जो एमसीक्यू सीरीज हम देख रहे हैं उसको कंटिन्यू कर लेते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पुराने जितने भी वीडियोस हो चुके हैं प्लीज टाइम आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके उनको भी देखें। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ पे करवाए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन बजट की तैयारी कार्य में शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो यूनियन बजट की बात हो रही है, तो जो यूनियन बजट बनाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके द्वारा फॉर्म किया जाता है बजट और देखेंगे तो इन पर्टिकुलर हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ये कंसल्टेशन में जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं डिपार्टमेंट्स हैं है ना, और नीति आयोग फाइनेंस कमीशन जो हमारे कितने भी जो टैक्सेस या इस तरीके की चीज़ें हैं जो रेकमेंड करते हैं तो इन सबको जो है ध्यान में रखते हुए इन सबके सहयोग के साथ इन सबकी सलाह को इकट्ठा करके उसके बाद फॉर्म करते हैं। ठीक है, बजट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। तो यहाँ पे देखेंगे सीएजी जो है इस प्रश्न में हमारा उत्तर होगा क्योंकि ये स्क्रूटनी वाले पार्ट से संबंधित है, फॉर्मुलेशन में इनका जो है कोई रोल नहीं है। तो सी ऑप्शन को चूज करके आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें, तो देखिए भारत का पहला समाचार पत्र जिसका नाम है बंगाल गजट ये था, तो ये कथन हमारा बिल्कुल ठीक है। इसका प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की इन्होंने किया था। ठीक है, तो ये वाला कथन भी हमारा ठीक है। अब दोनों में से कौन से सही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ पे ये बताइए कि इसका प्रकाशन जो है बंगाल गजट का किस वर्ष में किया गया था। 1835 के प्रेस अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो देखिए यह अधिनियम चार्ल्स मेटकॉफ के कार्यकाल में आया था, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा है इसमें भारतीय प्रेस के प्रति लचीला दृष्टिकोण अपनाया गया था। ठीक है, तो ये वाला कथन भी हमारा ठीक है, दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे सी ऑप्शन। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में किस वर्ष में हुई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो अभी वर्तमान में आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो प्रावधान पढ़ते हैं तो इसी इसकी शुरुआत जो है भारत में ये सबसे पहले हुई थी 1688 में, है ना। इसको इस्टेब्लिश किया गया था सबसे फर्स्ट टाइम मद्रास का जो हमारा ये रीजन था यहाँ पे, तो मद्रास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है सबसे पहले स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, वर्धा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्धा स्कीम जो है ये संबंधित है हमारी जो प्राथमिक शिक्षा है इससे। ठीक, तो इसमें प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखने की सिफारिश की गई थी, ये कथन ठीक है। प्रथम 7 वर्षों तक निःशुल्क शिक्षा की बात की गई। ठीक है, तो दोनों ही कथन हमारे जो हैं ठीक हैं। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी पढ़ने की आवश्यकता है आपको वर्धा स्कीम के बारे में। बेसिकली वर्धा स्कीम जो है 1937 की, जो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ये आउटकम है महात्मा गांधी जी की जो थिंकिंग है उसका। ठीक, इसी स्कीम को कई बार जो है नई तालीम के नाम से रेफ़र किया जाता है ना, बुनियादी तालीम। ठीक, तो चूंकि इसका जो बैकग्राउंड है ये देखेंगे तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब पार्टिसिपेट किया गांधी जी ने 1931 में, तो वहाँ पे भी इन्होंने जिक्र किया कि जो है ब्रिटिशर्स के अंडर में जो प्राइमरी एजुकेशन है काफ़ी इनफेक्टिव है इंडिया में। ठीक है, तो उसी के क्रम में ऐसे चलते चलते देखेंगे तो एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी जाकिर हुसैन जी के अध्यक्षता में, जिन्होंने एक रिपोर्ट दिया जो कि आगे चल के यहाँ पे वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन के रूप में जानी गई, और इसी में ये सब जो चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं है ना ये शामिल है। थोड़ा डिटेल में भी इसको पढ़ लीजिएगा, फिलहाल सी ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट है। अगला देखिए, एचिंसन आयोग का गठन निम्न में से किस विषय पर सिफारिश देने के लिए किया गया था। ठीक है, तो एचिंसन कमीशन जो है ये 1886 में कॉन्स्टिट्यूट इसको किया गया था लॉर्ड डफरिन के द्वारा। ठीक है, और यही एचिंसन जो थे इसके अध्यक्ष थे, और बेसिकली जो भारत में पब्लिक सर्विसेज थी उस टाइम पे, ठीक है, तो उनमें क्या सुधार हो सकता है उनके जो है एक बेटरमेंट के लिए इस कमेटी को जो है कमीशन को फॉर्म किया गया था। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ
में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो अगस्त ऑफर के जो है आउटकम के रूप में इसको हम देख सकते हैं, और व्यक्तिगत सत्याग्रह को ही दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जाना गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। दूसरा लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू पहले सत्याग्रही बने इसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि जो है जवाहरलाल नेहरू जो थे ये दूसरे सत्याग्रही थे। पहले जो थे कौन? विनोबा भावे जी, दूसरे पे जवाहरलाल नेहरू जी का नाम है, और तीसरे पे जो है ब्रह्मदत्त, ठीक। तो ये तीन क्रम हमने देख लिया, और यहाँ पे पूछा ही यही गया था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो है बी ऑप्शन को चुना जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो देखिए पहला स्टेटमेंट है कि उपसौर सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी है, ठीक। तो जो है ये वाला हमारा स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा है पृथ्वी 6 जुलाई को उपसौर स्थिति प्राप्त करती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बेसिकली देखिए सूर्य है, और जैसे ये ऑर्बिट में देखें हम, तो जो फार्देस्ट डिस्टेंस होगी है ना, इसको अपसौर बोला जाता है, जो कि जुलाई में होता है, ठीक है। तो 6 जुलाई को जो है ये अपसौर की स्थिति होगी, यानी कि एफिलियन की, ठीक है। और यहाँ पे जो ऊपर में पूछा जा रहा है कि जब अर्थ का जो ये सन से क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा है ना, तो उसको बोलेंगे पेरिहेलियन, ठीक है। तो ये जो होता है ये जनवरी में होता है, तो इसी हिसाब से अगर हम देखें तो कौन सा कथन सही है, तो सिर्फ एक जो है ये वाला ठीक है। निम्नलिखित को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी देखते हैं, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 से 31, यानी इधर नवंबर 1930 से जनवरी 31 तक, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा हमारा, ठीक। उसके बाद जो है कराची सेशन होगा कांग्रेस का, ठीक, ये इधर मार्च वाले टाइम पीरियड पे 1931 में ही, ठीक है। उसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमारा आ जा रहा है ना, एंड ऑफ द ईयर 1931 में ही, और इधर अगस्त 1932 में जो हमारा सांप्रदायिक निर्णय है, यानी कम्युनल अवार्ड रैमसे मैकडोनल्ड वाला, ठीक है, जिसमें कि सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए दिया गया, तो ये वाले का टाइम पीरियड है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो 1423 वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ये इवेंट्स थोड़ा क्रोनोलॉजी भी देखा करिए, पूछा जाता है UPSC में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो प्रस्थान त्रयी से मतलब जो अर्थ होता है इसका शाब्दिक अर्थ होता है तीन स्रोत, है ना, जो भी हमारे धर्मशास्त्र से संबंधित चीज़ें हैं, और जैसे कि वेदांत कॉन्सेप्ट जो हमारा है, तो उसके अंतर्गत हम देखें तो तीन स्रोत जो ये हैं जिनको कि प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, तो ये हमारे उपनिषद होते हैं, ब्रह्मसूत्र, और ये भगवद्गीता, है ना। वेद जो है इसमें सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है इसको चुनेंगे। थोड़ा इसके बारे में डिटेल में पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है, ठीक है। तो जो महाभारत हमारा है इसके तेलुगु में जो अनुवाद के लिए विख्यात है यहाँ पे लेखक, इनका नाम है नन्नय और टिक्कन, है ना, दो लोग हैं ये। ऑप्शन यहाँ पे सी वाला जो है ये करेक्ट हो जाएगा। दीवारों में कीमती पत्थर या रत्नों को जड़ने के लिए पित्रा दुरा, है ना, तकनीक का उपयोग कहाँ किया जाता था, ठीक। तो पहले भी आपको ये बताया गया है कि जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है मुगल के टाइम पीरियड पे देखेंगे तो ये स्टार्ट होता है, स्पेशली जो संगमरमर की इमारतें बनी तो उसमें देखेंगे तो कीमती पत्थर और रत्नों को ऐसे उसमें जो है छेनी से कह लीजिए काट काट के जड़ने की प्रक्रिया जो है इसको पित्रा दुरा कहा जाता था, ताकि उन संगमरमर के पत्थरों की जो शोभा है और उसको बढ़ाया जा सके, ठीक। तो ये हमारी इंडो इस्लामिक वास्तुकला का पार्ट था, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ पे ये बताना है आपको कि ऐसी पहली कौन सी इमारत है भारत में जिसमें पित्रा दुरा तकनीक को देखा जाता है। लक्षद्वीप समूह के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो यह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ एक आइलैंड्स है, तो ये बिल्कुल ठीक है हमारा, लगभग 36 आइलैंड्स का ग्रुप है एक। दूसरा है पिट्टी द्वीप इस द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। तो ये वाला कथन भी हमारा ठीक है, एक आइलैंड है ये, तो दोनों ही कथन हमारा जो है सही है, तो सी ऑप्शन चुनेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पहला है हिमालय क्षेत्र की अधिकांश झीलें जो है हिमानी निर्मित झीलों की श्रेणी में शामिल है, ठीक है। हिमानी निर्मित मतलब कि जो ग्लेशियर्स के द्वारा निर्मित होती हैं, ठीक है। तो ये कथन तो हमारा जो है सही पूछा जा रहा है ना, उपयुक्त कथनों में से सही, तो हाँ पहला ठीक है। दूसरा है कि वूलर झील हिमानी निर्मित झील है, तो ये कथन सरासर गलत है, चूंकि जो वूलर झील जम्मू कश्मीर में हमारा स्थित है ये टेक्टोनिक एक्टिविटी, यानी कि जो हमारा
टेक्टोनिक प्लेट्स वाली जो मूवमेंट्स होते हैं उसके द्वारा फॉर्म हुई एक झील है, ठीक है, पहले भी आपको ये बताया गया है, तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा, सिर्फ ए को चुनेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन से देश एड्रियाटिक सागर से सीमा साझा करते हैं, ठीक है, तो मैप में एड्रियाटिक सी को देख लीजिएगा, जो है यहाँ पे अल्बानिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ठीक है, तीनों संदर्भित हैं इससे, डी ऑप्शन को चुनेंगे। आल्प्स पर्वत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है इसका विस्तार केवल फ्रांस, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया में है, तो ये वाला कथन तो गलत है, तो क्योंकि एक हमारी ये जो है काफ़ी एक्सटेंसिव रेंज ऑफ माउंटेन है यूरोप में, तो इसके अंतर्गत देखेंगे तो फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया के साथ साथ इटली, मोनाको, जर्मनी, स्लोवेनिया है ना, ये सब भी शामिल है। दूसरा है इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैंक है, ठीक है, तो ये कथन ठीक हो जाएगा, बी ऑप्शन को चुनेंगे हम। राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक, तो जो स्टेट इलेक्शन आयुक्त की बात हो रही है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये लिखा है, ये गलत है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वो गवर्नर करते हैं, ठीक, उस स्टेट के। दूसरा है यह पंचायत के सभी जो चुनाव हैं इनका संचालन करते हैं, ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल ठीक है, जो लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं, पंचायत, म्यूनसिपलिटी, ये सब जो इलेक्शंस हैं ये स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ये करवाता है, तो इसमें सही कौन सा है, सिर्फ दो। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज के प्रावधान लागू करने के संबंध में सिफारिशें देने के लिए किस समिति का गठन किया गया था, ठीक है, तो जो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं हमारे, जैसे कि आप वो एक्ट पढ़ते हैं ना, पेसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया है ना, 1996 में जो बनाया गया था, तो कुछ हमारे जो भारत में शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं है ना, रेस्ट्रिक्टेड एरियाज समझ लीजिए इनको, तो इन एरियाज़ में पंचायत के जो प्रावधान हैं पंचायती राज के, इनको लागू करने के लिए भूरिया समिति जो है इसका गठन किया गया था 1995 में, ठीक है, तो इन्हीं के रिकमेंडेशंस पे जो है ये पैसा एक्ट बनाया गया, तो जिसके अंतर्गत ये पंचायत वाले जो प्रावधान है यहाँ पे लागू होते हैं, तो डी ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे हम यहाँ से। बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में फार्मूला वन बहरीन ग्रैंड पिक्स 2022 का खिताब किस देश के चार्ल्स लेकलर ने जीता है, ठीक है, तो ये चार्ल्स लेकलर जो हैं ये संबंधित हैं मोनाको से, है ना, इन्होंने जो है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता है, तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा। हाल ही में पंकज आडवाणी ने 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में अपना कौन सा खिताब जीता है, ठीक है, तो बिलियर्ड्स का जो खेल होता है उससे संबंधित है पंकज आडवाणी, काफ़ी चर्चा में रहता अभी हाल फिलहाल, तो इनका जो ये बिलियर्ड्स के अंदर 8वां टाइटल है, ठीक है, 8th, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा। ड्रोन आधारित खनिज अनुसंधान के लिए लौह अयस्क उत्पादन कंपनी NMDC लिमिटेड ने किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है, तो NMDC लिमिटेड जो है उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है IIT खड़गपुर के साथ, ठीक है, आयरन ओर प्रोड्यूसर कंपनी है, इसमें जो ड्रोन बेस्ड एक मिनरल रिसर्च वगैरह जो है वो की जाएगी, इसके लिए समझौता हुआ है, ए ऑप्शन को चुनेंगे। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद ने सर्वसम्मति से अपने अध्यक्ष जय शाह का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया है, ठीक है, तो जय शाह को आप जानते होंगे, काफ़ी प्रतिभावान एक व्यक्ति हैं, है ना, एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, और एशियन जो क्रिकेट काउंसिल है इसके लिए इनका जो पीरियड है, टाइम पीरियड एज अ प्रेसिडेंट, एक साल के लिए बढ़ाया गया है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ये होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे हैं, ठीक है। हाल ही में विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस 2022 किस दिन मनाया गया है, ठीक है, ओरल हेल्थ डे की बात हो रही है, तो ये 20 मार्च को ऑब्जर्व किया गया है। हाल ही में विश्व वानिकी दिवस 2022 किस दिन मनाया गया, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स, तो ये है 21 मार्च को। अगला है 14 मार्च 2022 से नाटो ने किस देश में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास कोल्ड रेस्पॉन्स 2022 का आयोजन किया है, ठीक है, तो जो नाटो है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इनके द्वारा एक मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की गई कोल्ड रेस्पॉन्स नॉर्वे के अंदर। अगला है नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो ये 21 मार्च को है।
मार्च 2022 को जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान जो है किसे प्राप्त हुआ है। ठीक, तो वर्तमान में देखेंगे तो सबसे जो है रिच पर्सन है वर्ल्ड में एलॉन मस्क, ठीक है, इनको ही इस लिस्ट में सबसे फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ है। मार्च 2022 को जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में भारत के मुकेश अंबानी जो है किस स्थान पर हैं। ठीक है, तो ये रिलायंस ग्रुप वाले मुकेश अंबानी जी हैं 9वें पोजीशन पर। हाल ही में किस देश के खगोल वैज्ञानिक यूजीन पार्कर का निधन हो गया है। ठीक है, तो ये एस्ट्रोनॉमर थे एक फेमस, यूजीन पार्कर, अमेरिका के। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा, इनका हाल ही में जो है निधन हुआ है। अगला देखिए, डिलॉयट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 में रिलायंस रिटेल किस स्थान पर रहा है। तो एक ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म जो है डिलॉयट है ना, इसके अनुसार पूछा जा रहा है। तो इन्होंने अभी एक अपनी जो है ये रिपोर्ट एक तरीके से दी है जिसका टाइटल है ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022। ठीक है, तो इसके अंतर्गत भारत का रिलायंस रिटेल जो है ये है 56th प्लेस पे, है ना, यही रैंक इसमें पूछी गई थी। तो ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। हाल ही में वर्ल्ड स्लीप डे 2022 किस दिन मनाया गया। ठीक है, तो सोने वाला दिवस एक तरीके से ऑब्जर्व किया गया है 2022 का 18 मार्च को। सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, और इसको जो है 2008 से ऑब्जर्व किया जा रहा है, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। अगला है, अमरेली जिले में एक नया बगसरा प्रांत बनाने का निर्णय जो है किस राज्य ने लिया है। तो गुजरात हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, गुजरात स्टेट के द्वारा ये डिसीजन अभी हाल ही में लिया गया है। हाल ही में चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित हुआ है। ठीक है, तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल पहले भी पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ये स्टेल बिरेट हुआ है मणिपुर में। ऑप्शन सी। अगला है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये जो है, रिपोर्ट किसकी है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, इसको भी ध्यान रखिएगा। इनके अनुसार भारत में जितनी भी पुलिस फोर्सेज हैं उसमें अराउंड 10.3% जो है वुमेन है। ठीक, तो इसमें से बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक प्रोग्राम है जो पहले एक स्कीम होती थी बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, ठीक है, तो उसको रीनेम करके एक नए रूप में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के रूप में 2018 में जो है शुरू किया गया, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय जितने भी हैं विशेष रूप से उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और जो स्किल डेवलपमेंट वगैरह है उन सब चीज़ों में संवर्धन करने के लिए इसको शुरू किया गया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है यहाँ से। अगला देखिए, नई दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर किस देवता को समर्पित है। ठीक है, ऐसे लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो अक्षरधाम मंदिर जो है दिल्ली में भी है और गुजरात में भी जो है, यहाँ पे कुछ वर्ष पूर्व जो अटैक्स भी हो गए थे इस वजह से चर्चा में रहा था। तो यहाँ पे देखेंगे तो इन टेम्पल्स में जो चीफ डाइटी होते हैं ये हैं स्वामी नारायण, है ना, भगवान स्वामी नारायण। ठीक है, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा। भारत का पहला चंदन संग्रहालय किस शहर में खोला गया है। ठीक है, फर्स्ट चंदन यानी कि जो सैंडलवुड होता है उसका एक म्यूजियम खोला गया है कर्नाटक के अंदर मैसूर में, है ना, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा। अगला है, आई एम नो मसीहा किसकी आत्मकथा है। ठीक, तो कोविड लॉकडाउन के दौरान जो है एक काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन हेल्प के कारण सोनू सूद जो एक्टर हैं बॉलीवुड के चर्चा में रहे। ठीक है, तो उसी के बाद जो है ये इनकी एक इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ठीक है, आई एम नो मसीहा, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। ऋग्वैदिक समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए दो स्टेटमेंट हैं, पहला है यहाँ समाज की सबसे छोटी इकाई विश थी। ठीक है, तो देखेंगे तो सोसाइटी जो है यहाँ पे सबसे छोटी यूनिट जो होती थी उसको कुल कहा जाता था, है ना, यानी परिवार, और इसका जो प्रमुख होता था उसको मतलब घर का मुखिया समझ लीजिए उसको कुलप कहते थे। ठीक है, तो ये कथन जो है गलत हो जाएगा। दूसरा है, दीर्घकाल तक अविवाहित रहने वाली महिला को वहतु कहा जाता था। ठीक है, तो ये वाला कथन भी गलत है। दीर्घकालीन जो है ऐसी महिलाएं जो अविवाहित रहती थी या जीवन भर के लिए अविवाहित रहती थी उनको अमाजू कहा जाता था। ठीक है, अमाजू। ठीक, तो ये दो टर्म यहाँ पे इनसे संबंधित बता दिए गए हैं आपको, और भी जो संबंधित फैक्ट हैं इसको ऋग्वैदिक समाज के उसको पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे दोनों में से पूछा है कि सही कौन सा है, तो सही कोई नहीं है, डी ऑप्शन को चुनेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कुछ विद्रोह हैं हमारे देखेंगे ये मॉडर्न टाइम्स के, और उससे संबंधित जो लीडर हैं तो देखेंगे तो कूका विद्रोह, अचल सिंह जो लिखा है ये पेयर हमारा सुमेलित नहीं है। कूका विद्रोह जो है शुरू हुआ 1860-70 के दशक में पंजाब में, जो कि एक धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक रूप इसने ले लिया। तो इसके जो शुरुआत जो इसकी जो की है उनका नाम था भगत जवाहर मल, है ना, इनको जो है टाइटल के रूप में सियान साहब भी कई बार कहा जाता था। ठीक, तो ये वाला उत्तर जो हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा। निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा है ये देख लेते, तो सही की बात करें तो स्वराज पार्टी की स्थापना संबंधित है सी आर दास, ठीक है, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू 1923, ठीक है, ये वाला पेयर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभिनव भारत की स्थापना यहाँ पे विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की जाती है। अनुशीलन समिति जो है इसमें जो है बारिंद्र कुमार घोष, जितेंद्र नाथ बनर्जी, है ना, प्रथम नाथ मित्रा, ये सब के नाम आते हैं। और यहाँ पे इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की बात करें तो सूर्य सेन का नाम इसमें आता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये सुमेलित हो जाएगा। काकोरी षड्यंत्र के तहत किन्हें फांसी दी गई थी? ठीक है, तो जो काकोरी ट्रेन इंसिडेंट है तो यहाँ पे देखें तो रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, है ना, चूँकि चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है इन्होंने स्वयं को अंग्रेज़ों के द्वारा जो पीछा किया जा रहा था इनका, तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने खुद की जो है गोली मारकर हत्या कर ली थी, तो शहीद हो गए थे। तो इनका नाम अगर हम एलिमिनेट इसमें से कर लेते तो यहाँ पे, ठीक है, वैसे ही हमारा उत्तर आ जाता। ठीक, तो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो देखते हैं सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, ये बिल्कुल ठीक है, जो है 1873 में इसको पुणे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था इनके द्वारा, और इनकी जो वाइफ थी, है ना, वो इसके जो फीमेल विंग था, है ना, सावित्रीबाई फुले जी जो हैं वो उसकी जो है हेड थी। ठीक, दूसरा है कि ज्योतिबा फुले ने राजा बलि को अपने आंदोलन का प्रतीक बनाया, ठीक है, तो ये वाला कथन भी ठीक है। तीसरा है इन्होंने संस्कृत हिंदुत्व का विरोध किया, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो जो मॉडर्न एजुकेशन है ना, इंक्रीजिंग सोशल राइट्स, पॉलिटिकल एक्सेस, महिलाओं के ऊपर ध्यान केंद्रित करना, स्पेशली जो शूद्र और दलित वगैरह थे इन सब के ऊपर इसमें फोकस किया गया। ठीक है, तो तीन स्टेटमेंट जो है हमारे करेक्ट हो जाएंगे, डी ऑप्शन को हम चुनेंगे यहाँ से। रामकृष्ण मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है, तो इसमें मूर्ति पूजा को महत्व दिया गया। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा इसका मई 1897 में स्थापना किया गया, और चूंकि वो स्वयं भी मूर्ति पूजा के समर्थक थे, मानना था उनका कि एक सरलतम माध्यम है जो है आराधना करने का मूर्ति पूजा, ठीक है, तो इसको महत्व दिया गया। इसमें वेदांत को महत्व दिया गया, ये भी कथन ठीक है। इसमें अध्यात्मवाद और भौतिकतावाद के संतुलन पर जोर दिया गया है ना, तो ये वाला कथन भी हमारा ठीक है। इसमें जो स्पिरिचुअलिज्म और मटीरियलिज्म इन दोनों को बैलेंस एक तरीके से करते हुए एम्फसाइज किया गया, तो अब सही का देखें तो तीनों ही कथन हमारे ठीक हो जाएंगे इस हिसाब से, है ना, डी ऑप्शन को चुनते हैं हम यहाँ से। ठीक, तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो भी समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जय हिंद।